नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टुडे एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी समय बहुत अच्छा होता है, अपने आप ही सब काम बनते जाते हैं। कभी टेंशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत हार्ड वर्क करने पर भी रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता, कभी सब कुछ अच्छा लगने लगता है, कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। ग्रहों के गोचर दशा अंतर दशा के अनुसार ऐसा होता रहता है। तो आइए जानते हैं कि जून 2022 में ग्रहों का गोचर आपके लिए कैसा फल लेकर आ रहा है। सिंह राशि की बात करें, परिवार के किसी सदस्य से खुशखबरी मिल सकती है, परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा, ये समय अच्छा गुजरने वाला है। बस ध्यान रखें व्यर्थ की बहस में ना पड़े। जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका इस महीने में खेल कूद में थोड़ा ज्यादा ध्यान रहेगा, पढ़ाई में ध्यान भटकेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपका मन बहुत विचलित रहेगा इस महीने। करियर को लेकर मन में बहुत अशांति बनी रहेगी। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा। विवाहित जोड़े की बात करें तो कठोर शब्द बोलने से परहेज करें, क्योंकि आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अनबन होने की उम्मीद बन रही है, आपसी दूरियां बढ़ सकती हैं। हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने बुखार और सिरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। हालांकि इस मंथ के एंड तक सब कुछ लगभग ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग को मंथ के स्टार्टिंग में कुछ अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लॉस के चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा स्थिति बेहतर होती जाएगी और मंथ के एंड तक पहुंचते पहुंचते घाटा अगर हुआ है तो वो मुनाफे में बदल जाएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सीनियर से सहयोग मिलता दिख रहा है, अचानक धन लाभ के भी संकेत है। छोटे मोटे खर्चे लगे रहेंगे, कहीं से रुका हुआ धन भी मिल सकता है, कहीं पैसा फंसा हुआ था तो मिलने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर आर्थिक पक्ष ठीक ठीक रहेगा। मंथ में किसी स्पेशल डील के लिए अगर जा रहे हैं तो सफेद रंग के कपड़े पहनकर जाना आपके लिए शुभ रहेगा, और इस मंथ में आप किसी गरीब को भोजन करवा सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दे सकते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान मंदिर जरूर जाएं। तो ये ओवरऑल आपकी प्रेडिक्शन है जून मंथ की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।